एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल दिस साइड विद मिका। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो वीडियो है उसको मैं एक टूरिंग ब्लॉग कह सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को ले जाने वाली हूँ अपने साथ खजुराहो टूर पे। एक्चुअली मैं लास्ट मंथ छतरपुर गई थी, वहाँ से मैं खजुराहो गई थी, मैंने आपको बताया था। तो ये वीडियो पेंडिंग वीडियो है जो मैं आज अपलोड कर रही हूँ, और मैं पूरा ट्राई करूँगी कि आपको ऐसा लगे ये मंदिर देखते हुए कि आप भी वहीं खजुराहो में ही घूम रहे हैं, मंदिर को देख रहे हैं। एक्चुअली मुझे मंदिर बहुत ज़्यादा पसंद आए, जो वहाँ का वर्क था, जो चाहे वो अंदर किया गया काम हो चाहे बाहर किया हुआ काम हो, बहुत ही सुंदर, अनबिलीवेबल, बहुत ही अच्छा। तो वही मैं आप लोगों को दिखाने का पूरा ट्राई करूँगी। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो को और घूमते हैं खजुराहो। दीदी हेलो जिया जी, कहाँ पे आए हुए हैं? टेंपल में आए, लक्ष्मण टेंपल में आए हुए। और ये जो है खजुराहो के मंदिर हैं, जो चंदेला रूलर्स ने बनवाए थे, यशोवर्मन उसके मेन जो इनिशिएटिव लिया था, यशोवर्मन ने लिया था। और अब हम लोग जो है लक्ष्मण टेंपल की ओर चल रहे हैं। जैसे ही मैं पहले मंदिर में पहुंची, तो हवा में बलखाती मूर्तियों ने एहसास ही नहीं होने दिया कि वो जीवित नहीं हैं, सिर्फ मूर्तियां हैं। मैं देखती ही रह गई, चाहे वो अंदर हो या बाहर। हर स्तंभ, हर कोना, हर छत कुछ कहती है, जैसे मूर्तियां खुद बुला रही हूं, देखो मुझे, देखो मैं क्यों बनाई गई, मैं क्या कर रही हूँ। अनगिनत मूर्ति अपने आप का बखान खुद करती हैं, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती। शिल्पकारों ने अद्भुत काम किया है मंदिरों के बाहर और अंदर। एक एक मूर्ति को बारीकी से बनाया है, छोटे से छोटे पत्थर ऊपर नीचे हर जगह छोटी बड़ी मूर्ति उभारी गई है उन पे। ये मेरे लिए बिल्कुल अविश्वसनीय है। वास्तु का पूरा ध्यान रखा गया है। आगे मैं इसके बारे में आपको और भी बताऊंगी, पहले इसका थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं हल्का सा। खजुराहो, खजुराहो के प्राचीन विश्व प्रसिद्ध मंदिर 950 से 1000 के बीच चंदेला वंश द्वारा निर्मित कराए गए थे। मंदिर हिंदुइज्म और जैनिज्म को समर्पित हैं। ज़्यादातर हिंदू मंदिर हिंदू राजाओं यशोवर्मन और धांगा द्वारा बनवाए गए थे। लक्ष्मण मंदिर में सबसे ज़्यादा यशोवर्मन की विरासत का प्रदर्शन किया गया है, और विश्वनाथ टेंपल में राजा धांगा के शासनकाल का। सबसे बड़ा और सबसे प्रसिद्ध जीवंत मंदिर है कंदरिया महादेव, जो राजा विंध्याधर के शासनकाल में बना था। शिल्प कला में हिंदू धर्म के प्रतीकात्मक जीवन के चार मुख्य उद्देश्य को मुख्य आकर्षण बनाया गया है, जो धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष है। अभी जीवित मंदिरों में 6 भगवान शिव और उनकी पत्नी, 8 विष्णु भगवान और उनके समानतम, 1 गणेश भगवान, 1 भगवान सूर्य और 3 जैन तीर्थांकर को समर्पित हैं। सारे मंदिरों में सिर्फ मतंगेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना होती है। अब खजुराहो के मंदिर बलुआ पत्थर से बने हैं, जिनका आधार ग्रेनाइट पर है। जो कि देखने में नज़र नहीं आता है, वो गुप्त है। निर्माताओं ने गारा का उपयोग नहीं किया है। पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है, जो गुरुत्वाकर्षण से अपनी जगह पर रखे हुए हैं।
वीडियो में कामा के अलावा बहुत सी चीज़ें दर्शाई गई हैं, जैसे सुंदरी श्रृंगार करते हुए, संगीत, कुम्हार, किसान के कार्य जो उस समय पर रोज़मर्रा में किए जाते होंगे, युद्ध पे जाते लोग भी दर्शाए गए हैं। जिस इंटरलॉकिंग सिस्टम के बारे में मैंने आपको पहले बताया, ये वही है। आप देखिए इसके जो खांचे हैं, कैसे दूसरी मूर्तियों के साथ या दूसरे स्तंभ के साथ इनको फिट किया जाता होगा। उस निर्माताओं ने गारा का उपयोग नहीं किया है, पत्थरों को इंटरलॉकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है जो गुरुत्वाकर्षण से अपनी जगह पर रखे हुए हैं। पहले अंदर का मंदिर मैं आपको दिखा के फिर बाहर का व्यू दिखाऊंगी। बाहर का व्यू और अंदर का व्यू दोनों कवर करना चाहती हूँ मैं बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए। मंदिर के अंदर भी बहुत बारीक काम है, चाहे वो स्तंभ हो, चाहे वो छत हो, हर जगह शिल्पकारों ने अपना जो कहते हैं बेस्ट प्रदर्शन किया है, वो आप देख पा रहे होंगे इसमें। जबकि लाइट इतनी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई कर रही हूँ कि आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएँ। मंदिर के अंदर भी जो परिक्रमा का एरिया है और जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, हर जगह छोटी बड़ी हर तरह की मूर्ति इसमें उभारी गई है और बहुत बारीकी से काम हुआ है। हर जगह मूर्तियाँ हैं, हर जगह शिल्पकारी है। मैं आपको अंदर का व्यू बहुत अच्छे से दिखा रही हूँ। आई होप आप लोग इसको अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे कि क्या कलाकारी की गई है इसमें। और हर मूर्ति में एक लचक है, एक बलखाती हुई सी इमेज है जो कि ये एहसास कराती है बार बार कि ये सिर्फ मूर्ति नहीं है, ये कुछ कर रही हैं, कुछ कह रही हैं, या अभी ये जो है एकदम से खड़ी हो जाएंगी या एकदम से नाचने लगेंगी, जो इनका पोज है वो एकदम स्टार्ट कर देंगी। देखिए मूर्तियाँ आप भी देख पा रहे होंगे और आपको भी शायद ऐसा लग रहा होगा कि ये कुछ कह रही हैं, ये सिर्फ मूर्तियां नहीं हैं, सिर्फ ऐसे ही इनको खड़ा नहीं किया गया है। मानना पड़ेगा यार। इसमें काफ़ी मूर्तियां खंडित की गई हैं जो शायद बाद के शासन में जो लोग आए होंगे उन्होंने करी हैं। मंदिर के अंदर ज़्यादा रोशनी नहीं है, लेकिन आप इसमें आपको दिख रहा होगा एक एक जो काम किया गया है बहुत बारीकी से किया गया है। इसमें जो इमेजेस हैं, इसमें नर्तकी हैं, अप्सराएं हैं, भगवान के डिफरेंट रूप हैं, और ये देखिए नीचे जो पत्थर है उस पत्थर में भी ये जो संगीतज्ञ हैं वो कुछ ना कुछ बजा रहे हैं। किसी के हाथ में कुछ है, किसी के हाथ में वीणा है, तो अपने अपने काम सबके दिखाए गए हैं कि वो क्या क्या काम कर रहे हैं। अब मंदिर को बाहर से दिखाती हूँ आपको, जो बहुत ही सुंदर दिखता है। आई होप आप लोग भी ये फील कर पा रहे हो कि आप लोग मेरे साथ ही ये मंदिर की ब्यूटिफिकेशन जो है वो देख पा रहे हैं और फील कर पा रहे हैं उसको। मैंने इन खजुराहो के मंदिर को एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया है,
जो मुझे लगता है कि वाकई में उसमें बहुत कुछ है देखने लायक जो हमें देखना चाहिए, और जो हमारी इंडियन संस्कृति, जो भारतीय संस्कृति को भी दर्शाता है, हमारे एंशियंट टाइम में क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी, कैसे जो है कार्य हुआ करते थे, वो भी इसमें दर्शाए गए हैं, जो कि वाकई में बहुत अच्छे हैं। और हर एक रिलेशन को इसमें दिखाया गया है। आई होप आप लोग भी अपने आप को वहाँ प्रेजेंट पा रहे हों इसमें, मेरी पूरी कोशिश है। तो जस्ट इसको एंजॉय करिए। स्पेशली जो इसका व्यू आता है मंदिर का, एक कक्ष फिर दूसरा कक्ष, फिर ऐसे स्तंभ भी दिखते हैं इसके, ऐसे इसको कह सकते हैं कि जैसे गर्भागृह है, हर ग्रह अलग अलग दिखता है इसका। अगर आप देखेंगे जो इसकी हाइट है, उस हाइट से भी अलग अलग पोर्शन इसके नज़र आते हैं। हर तरह से ये बहुत अच्छा बनाया गया, बहुत ही सुंदर है। और जो इसका आसपास का एरिया है वो भी बहुत सुंदर है। उस टाइम पे तो और अच्छा रहा होगा, जब अभी ऐसा है तो, क्योंकि पास में एक लेक भी है जो उस टाइम बनाई गई थी कहते हैं, अभी वो इतनी साफ़ नहीं है, बट बहुत सुंदर व्यू है। एक बार कोई इंसान जाए तो लगता है कि इसकी या तो पेंटिंग करना स्टार्ट कर दे, या वहीं पे बैठ के इन मंदिरों को बहुत ध्यान से देखता रहे और बस कहीं खो जाए इसमें। इतनी शांति है और इतना सुंदर है स्पेशली ये हर तरह से। और मूर्तियों का तो मैं कितनी बार बोलूं कि बस मुझे लगता है कि हर काम परफेक्शन के साथ किया गया है, हर मूर्ति पे पूरा ध्यान दिया गया है। जो उसका कार्य दिखाया गया है वो वाकई में आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो सिंदूर लगाती हुई लेडी हो, चाहे पैर से कांटा निकालती हुई लेडी हो, चाहे किसान हो, चाहे वो संगीतज्ञ हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे शिव पार्वती की मूर्ति हो, हर एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से डिटेल, मतलब उसकी डिटेलिंग करी हुई है, जो अपने आप में बहुत एक यूनिक वे है भाव को रिप्रेजेंट करने का, कि आप देखते ही समझ जाएं उसको वो क्या कहना चाह रहे हैं। वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने खजुराहो को डिफरेंट एंगल से दिखाने की कोशिश करी है, जो वाकई में काबिले तारीफ़ है। जो काम किया गया है वो कितना मुश्किल काम, उस टाइम साइंटिफिकली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, जो चीज़ें करी गई होंगी तो कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी, और वो काम शायद हम आज कर भी नहीं पाएंगे अगर चाहें तो ऐसा काम, तो उसी को मैंने शो करने की कोशिश करी है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई चीज़ के साथ। तब तक के लिए डू टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।